तो दोस्तों MRFA प्रोजेक्ट को लेकर एक बहुत ही बड़ी और अहम खबर निकल के सामने आ रही है। दरअसल अभी तक मीडिया में ये खबरें आ रही थी कि अब 114 फाइटर जेटों की बजाय वायुसेना मात्र 57 फाइटर जेटों को खरीदेगी, परंतु आज वायुसेना की तरफ से इस खबर का पूर्णतः खंडन कर दिया गया है और वायुसेना ने यह बताया कि MRFA प्रोजेक्ट हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें किसी भी प्रकार की कटौती करने का जो प्लान है वो वायुसेना की तरफ से नहीं बनाया गया है। और स्क्रीन पर आप सभी फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से एक स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो जिसके माध्यम से ऐसा दावा किया गया है कि वायुसेना का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि MRFA प्रोजेक्ट में कटौती करके 114 की बजाय 57 फाइटर जेट खरीदे जाएं। दरअसल जो हमारे पुराने वायुसेना प्रमुख थे RKS भदौरिया जी, उनकी तरफ से पिछले साल ऐसा बयान निकल के सामने आया था कि चीन और पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय वायुसेना में आने वाले समय में 450 की संख्या में देशी और विदेशी फाइटर जेट शामिल किए जाएं। उन्होंने इस बात को भी दोहराया था कि MRFA प्रोजेक्ट इन फाइटर जेटों की खरीदे में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और इसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। और दोस्तों यही बात आज भारतीय वायुसेना के कुछ अधिकारियों की तरफ से कही गई कि हमारे नए वायुसेना प्रमुख की तरफ से भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को ऐसे आदेश दिए गए हैं कि 2018 में जो MRFA प्रोजेक्ट को लेकर RFI जारी करी गई थी उसके जवाब में अब जल्दी से जल्दी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को जारी किया जाए ताकि जो MRFA प्रोजेक्ट है जो 4 से अटका हुआ है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लिया जाए। और वायुसेना का ऐसा बिल्कुल भी प्लान नहीं है कि MRFA प्रोजेक्ट के तहत कटौती करी जाए, बल्कि वायुसेना तो खुद ऐसा चाहती है कि जो RFI 2018 में जारी करी गई थी उसका जल्दी से जल्दी जवाब भारतीय वायुसेना दे और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को जारी करके इस टेंडर को कंप्लीट करवाए। और इसके लिए भारतीय वायुसेना के अधिकारी दिन रात मेहनत करके रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं और जल्द ही रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को जारी किया जाएगा, जिससे फाइटर जेटों की खरीदी की जो प्रक्रिया है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके भारतीय वायुसेना को नए फाइटर जेट दिलाए जाएं। खैर आप सभी के इस पूरे टॉपिक के ऊपर क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।